बेदारस। सो दोस्तों, आज मैं एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ, जो स्टॉक तकरीबन 20 रुपए से कम के प्राइस पर ही चल रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि 17 रुपए का स्टॉक आज बेस्ट स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ, वो भी बैंकिंग सेक्टर का। सो बैंकिंग सेक्टर का जे स्टॉक, जिसका नाम है साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड। सो दोस्तों, जे जो कंपनी है या जो ये बैंक है, जे बैंकिंग, रिटेल में, कॉर्पोरेशन बैंकिंग में, ट्रेजरी में, एटसेट्रा एटसेट्रा में काम करता है। इसी के साथ साथ ये फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में भी ये कंपनी काम करती है या जे बैंक का काम करता है। और इसकी अप्रॉक्सीमेटली 935 बैंकिंग आउटलेट है और अप्रॉक्सीमेटली 1315 ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, मतलब कि ATM मशीन्स लगी हुई हैं। जो बढ़िया बैंक है एक, और आगे बात करेंगे कि इस स्टॉक का कैसा रहेगा फ्यूचर। सो सबसे पहले इसकी करंट प्राइस की बात करें तो इसने एक साल में 112% की रिटर्न दी है दोस्तों। जो स्टॉक ले के आने का आपके पास मेन वजह थी, साउथ इंडियन बैंक 17 रुपये 25 पैसे इस स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है। और अगर पिछले एक साल की रिटर्न देखी जाए तो 112% की रिटर्न ये स्टॉक पिछले एक साल में दे चुका है। और आगे आप चार्ट देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतनी अच्छी रिटर्न देता हुआ स्टॉक और आपकी निगाह से अभी तक बाहर था, इसीलिए स्टॉक लेके आया हूँ। उसी के साथ अगर एनालिसिस की माने तो सेक्स एनालिस्ट ने इसमें से 67% ने कहा कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का जे समय सही है, बढ़िया है। सो दोस्तों, आगे बात करेंगे स्टॉक के बारे में। फर्स्टली इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। सो मार्केट कैपेसिटी की बात करें तो 3568 करोड़ की इस बैंक की मार्केट कैपेसिटी है। और अगर डेप्थ की बात करें तो 1.05, मतलब कि 1% को इस बैंक पे कर्जा है, या इस कंपनी पे कह सकते हैं, इस बैंक पे कह सकते हैं कर्जा चल रहा है। उसी के साथ अगर आर ओ ई की बात करें तो 12.38% की आर ओ ई चल रही है सॉरी उसी के साथ अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 1 की फेस वैल्यू इस स्टॉक की चल रही है। सो डिविडेंड जो कंपनी फिलहाल नहीं दे रही है। सो आगे बात करेंगे हम इसके चार्ट की। मैंने कहा था इसका चार्ट बढ़िया चार्ट, अगर इसके चार्ट को देखें, जे इसका एक साल का चार्ट है दोस्तों। एक साल पहले जे स्टॉक 7 रुपये 6-7 रुपये के नियर अबाउट पे चल रहा था, 6-7 रुपये के बीच में जे चल रहा था। और उसके बाद इसने जो बढ़त ली है, बढ़त लेने के बाद इसने थोड़ी करेक्शन ली, करेक्शन लेने के बाद अब जे स्टॉक फिर ऊपर जाना शुरू हो चुका है, जो मेन वजह आपके लिए ये स्टॉक लेके आने की। अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो रही है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि इस स्टॉक में एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो रही है और इस स्टॉक का प्राइस अब फिर से ऊपर जाना शुरू हो चुका है। अब बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियली फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें, जो क्वार्टरली रेवेन्यू है, हर क्वार्टर का, क्वार्टर मीन्स कि 3 महीने का रेवेन्यू, अगर मार्च 2022 से क्वार्टर का रेवेन्यू देखें तो बढ़िया क्वार्टर का रेवेन्यू, हर क्वार्टर का रेवेन्यू इक्वल टू या उससे ऊपर ही जा रहा है। बढ़िया क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसे हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू कम नहीं हुआ, मतलब कि कंपनी के पास एक अच्छा खासा बढ़िया काम है। उसी के साथ बात करेंगे कंपनी के नेटवर्थ की। कंपनी का नेटवर्थ भी रेवेन्यू की तरह सेम हर बार इक्वल टू और अप ही जा रहा है, या तो इक्वल रहता है या उससे ऊपर जा रहा है। सो बढ़िया नेटवर्थ भी, जिसे हम कह सकते हैं, जे भी क्वार्टरली लेके आए दोस्तों, पिछले 5 क्वार्टर से बढ़िया काम करता है। आगे उम्मीद जताई है कि इस स्टॉक का प्राइस अब शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकता है। उसी के साथ बात करेंगे कि कंपनी की प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। नेटवर्थ भी बढ़िया था। सो अब बात करेंगे कंपनी की प्रॉफिट की। कंपनी का प्रॉफिट मैं आपके लिए क्वार्टरली लेके आया हूँ। सो अगर इसकी प्रॉफिट की बात करें तो जे इसकी नेट प्रॉफिट है दोस्तों, अगर जहाँ से देखें, पिछले 5 क्वार्टर से, मैंने सभी चीज़ें आपको 5 क्वार्टर से दिखाई है, जे मार्च 2022 से है। सो कंपनी की प्रॉफिट बढ़िया चल रही है। उससे पहले कंपनी की प्रॉफिट 2 क्वार्टर में माइनस में आई, उसके बाद इस बैंक की प्रॉफिट बढ़िया काम कर रही है। मार्च 2023 में तो इसने सबसे हाई लगाया है। सो जिसकी वजह से उम्मीद जताई है कि अब इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है। इसी के साथ ये साल वाइज इसकी प्रॉफिट है। सो साल वाइज इसकी प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2012 से लेकर 2023 तक चार्ट है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये इस स्टॉक की प्रॉफिट शो हो रही है। तो दोस्तों, 2023 की प्रॉफिट और 2022 की प्रॉफिट कंपेयर करें, 2022 में इस बैंक ने सिर्फ 45 करोड़ की प्रॉफिट दी थी और 2023 में 775 करोड़ की प्रॉफिट दी है। और अच्छी खासी प्रॉफिट देता होगा बैंक, उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी ऐसी ही प्रॉफिट देगा। सो उसी के साथ अगर बात करें तो इसके शेयर होल्डर पैटर्न की, सो दोस्तों इसमें जो एक मुझे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात लगी कि इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो नहीं है, प्रमोटर ने अपने पास शेयर नहीं रखे हुए हैं। मगर इसमें उसी के साथ जो अच्छी बात है कि FLLS फॉरेन इंस्टीट्यूट ने एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है। और पिछले 2 क्वार्टर की बात करें तो इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को तकरीबन डबल कर दिया।
अपनी इन्वेस्टमेंट को जो 7.82 थी वो 14.55 की नियर अबाउट आ चुकी है, मतलब कि इसको डबल कर दिया, इसीलिए नीचे आई है। क्योंकि जे लोग जब प्रॉफिट किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो पूरी तरह से उसे एनालाइज करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। सो DLLS की 7.64 और पब्लिक सेक्टर की 77.77। सो दोस्तों एक बढ़िया स्टॉक जिसे कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर का, जिसमें रिस्क भी कम होता है। सो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें, जब भी आपको सही समय लगे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड खुद की सर्च जरूर करें। थैंक यू।